कैसे हैं साहब? मैं आपका भाई रजनीश कुमार आज फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर, जिसमें अपने किसान साथियों को बताऊंगा कि बैगन में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम हम कैसे करें। बैगन में एक ऐसा रोग है जिससे की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और आज हम आए हैं बैगनों में, अब आपको पहले तो हम आपको रोग दिखाएंगे कि इसमें कौन सा रोग लगता है जिससे कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है, फिर उसकी रोकथाम के लिए पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे जितने भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हम आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाएंगे आपको ये बैगन में ये कौन सा रोग है जिससे कि पूरा का पूरा फसल नष्ट हो जाता है, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। लाइव डेमो करके भी दिखाएंगे आपको। और ये देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ हैं इनके पत्ते गिर गए हैं, लेकिन टहनी बिल्कुल हरी हुई है, लेकिन ये पेड़ अब दोबारा नहीं होगा। तो हम इसको उखाड़ेंगे और उखाड़ कर फिर दिखाएंगे कि इसमें क्या रोग लगता है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम इस पेड़ को ये देखो आपके सामने यूं करके इसको जड़ से उखाड़ूंगा। पहले देखो ये जड़ से मैंने पेड़ उखेड़ लिया है, अब आपको दिखाएंगे हम। देखिए दोस्तों, मैंने इस पेड़ को उखाड़ा और उसकी ये टहनी है, इसको यूं करके फाड़ रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊँगा लाइव इसमें क्या रोग लगता है और किस वजह से सूखता है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये यूं करके मैं इस पेड़ को फाड़ रहा हूँ, पहले इसके अंदर, इस टहनी के अंदर देखिए, ये इस टहनी के अंदर मैंने देखा, ये देखिए आप, यहाँ पर जो है इसके गुदा में सुंडी है, ये सुंडी इसका गुद्दा बिल्कुल खा लेती है और खाने के बाद तभी इसके पेड़ के पत्ते गिरते हैं और ये तभी ये पेड़ सूखता है। मैंने आपको लैब वो अंधेरा वेदर की जगह, इस वजह से कुछ अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ठीक तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये इसमें यहाँ पर सुंडी बैठी हुई है, ठीक है। तो ये सुंडी की ही वजह से जाओ, मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वेदर ख़राब होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों दिखाया पेड़ उखाड़ के, जिसके तने के अंदर सुंडी बैठी हुई है, सुंडी धीरे धीरे करके उसका गुदा जो खा लेती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें क्या करने चाहिए, उसके ही बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और आपको एक ऐसी दवाई बताएँगे जिससे कि ये बीमारी हमारे बैगन में लगेगी ही नहीं। और ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, एक भयंकर बीमारी है जिससे हमारा पूरा का पूरा खेत साफ़ हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, जिससे कि जब पत्ते नहीं रहेंगे तो उसमें फल कहाँ से आएगा। तो उस बीमारी के से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी दवाई लगाएं जिससे कि हमारा बैगन जो है वो सेफ़ रहे और हमें अच्छी पैदावार मिल सके। इसमें एक तो आती है जो हम लोग कोराजीन लगाते हैं, उस कोराजीन को लगाने के कैसे लगाएँ, कोराजीन सबसे पहले हम उसका घोल बनाएंगे। घोल बना के हमें क्या करना है, उसको एक स्प्रे मशीन में डालकर और उसकी जड़ जड़ पर स्प्रे करना है, जिससे कि जो तने में छेद होता है उससे वो दवाई अंदर तक चली जाए, जिससे कि सुंडी तक पहुंच जाए और सुंडी उससे ख़त्म हो जाए। अब तो रहा ये एक तरीका, अब दूसरा तरीका हम आपको बताएँगे, जो हमारा फोराडान आता है, असली वाली ले कर आएंगे और लगभग एक बीघे के लिए हमें लाना है 3 किलो, 3 किलो का उसका हमें घोल बनाना है। घोल बना के उसको स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे करेंगे तो वो पत्तों पत्तों पे होगा, स्प्रे नहीं करना, उसको घोल बना के लगभग 100-200 लीटर पानी, जैसे आपके बैगन हो वैसे बनाएं। घोल बनाने के बाद उसको छोटा से कप टाइप ले लें और उसमें थोड़ा करके उसकी जड़ पर डालें, थोड़ा करके उसकी जड़ पर डालें, ऐसे ही डालते रहें। टाइम तो लगेगा ही दोस्तों, लेकिन हमारे ये जो बीमारी है हमारे बैगन में, ये बीमारी हमारे बैगन में बिल्कुल नहीं लगेगी। और सबसे मेन बात आपको हम बताना भूल ही गए, क्योंकि
ये जो बीमारी लगती कैसे है, इसका हम बचाव कैसे करें कि जो कि हमारे बैगन में ये बीमारी लगे ही नहीं, तो उसके लिए हम आपको एक नया तरीका बताएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपको एक नया वीडियो बनाकर लाएं, ताज़ा एकदम बिल्कुल मस्त मस्त वाला, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी संपूर्ण देंगे कि हम इस बीमारी को लगने ही नहीं देंगे खेत में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए राम राम।